चीफ जस्टिस उस जमाने में इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप स्विस गवर्नमेंट को ख़त लिखें, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं लिखूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा मैं कहता हूँ आप ख़त लिखें, क्योंकि मैं तो खुद कोर्ट में मौजूद था उसमें, मैं माइकस चुराए था उस केस में। वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं लिखूँगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देन वी कन्विक्ट यू एंड अरेस्ट यू टू द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। पूरा बलूचिस्तान अफेक्ट हुआ है आपका, लसबेला जलमक्सी डिस्ट्रिक्ट, कच्ची डिस्ट्रिक्ट, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट, जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट, ऊपर किला के कोलू, देरा बुक्टी, किला सैफला, किला अब्दुल्ला, पूरा एरिया ऊपर का जो है ना लसबेला तकरीबन डैमेज हो गया। गाँव को जो भी हमारे कैंप्स हैं उनमें खाना पहुँचाया जा रहा है, हॉस्पिटल जो है वो उन सबों को जो है वहाँ पर मेडिकल कैंप्स जो है खोल गए हैं कि इसके बाद जो है वबा शुरू हो जाएगी और जो भी इफेक्टेड है उन लोगों को वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूँ मोहम्मद कामरान। और अगर पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो मामलात सख्ती की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पेश भी हुए हैं। 1 लाख रुपए के ज़मानती मचल के उनको जमा करवाने का कहा गया है और 1 सितंबर तक उनको गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी दिया गया है। इस मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अदालत के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है और फैसला करने और करवाने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए। अब जो इस गवर्नमेंट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश जो की जा रही है, इस हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ सबसे पहले तो क्या गिरफ्तार किया भी जा सकता है या फिर ये इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के बस की बात नहीं है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तो इससे क्या उनके सियासी कद में इजाफा होगा या फिर तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल में इजाफा होगा। और 4 बड़े मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस वक्त कायम किए गए हैं। अब सवाल हम ये भी उठाएंगे कि कौन सा मुकदमा है जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। दूसरा, क्या किसी जगह पे मिस कैलकुलेशन तो नहीं की जा रही है या फिर जो इस वक्त चल रहे हैं मामलात ये सब कैलकुलेटेड और प्लान के मुताबिक ही चल रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा कि नून लीग के मामलात जो थे वो कुछ बेहतर नहीं थे और बहुत कुछ कहा गया उनकी जानिब से भी, लेकिन इस वक्त वो बरसरे इक्तदार हैं। तो क्या मामलात पीटीआई की जानिब से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब आ गए हैं या फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो फासले बढ़ गए हैं वो फासले भी कम हो जाएंगे, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं पी जमीर साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं और सिद्दीक जान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम पॉलिटिकल एनालिस्ट उनका जो तज्जिया है वो लेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल भी जलसा आम से खिताब किया और गुज़श्ता रोज़ भी उनका जो मुतालबा था वो पहले दिन वाला ही है, वो कहते हैं कि जल्द अज़ जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ। आवाम में कौन कितना मकबूल है, कौन कितना पानी में है, ये अगर देखना है तो इसका वाहिद हल इंतखाबात ही है। गो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड अगर सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पंजाब में भी बरसर इकतदार है और खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो अर्ली इलेक्शंस में उनको शायद सूट नहीं भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाम में जाते हैं, आवाम से की राय को मद्देनज़र रखने का कहते हैं और कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाएं और फिर आवाम को फैसला करने दिया जाए। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए जो ATC के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की तो उनका यही कहना था कि ये इम्पोर्टेंट हुकूमत जो है ये तहरीक इंसाफ से खौफजदा है और सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तासुर यही दिया जा रहा है कि ये बनाना रिपब्लिक है और यहाँ पर कोई कानून
है ही नहीं। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये भी कहना था कि उन्होंने कानूनी एक्शन की बात की थी जिस हवाले से आज वो अदालत में पेश भी हुए हैं। अब बहुत से सवाल भी इस वक्त जो हैं वो हर किसी के जहन में हैं कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर भी दिया जाता है तो उसके बाद जो मंजरनामा होगा उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी सियासत का, वो कहाँ पर जाएगा? वो जो आम आदमी है, जो इस वक्त आवाम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में रोडों पर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि इस वक्त अर्ली इलेक्शन हो जाए, तो उनका जो इस वक्त प्रेशर होगा क्या वो ये हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है? इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक साहब, एक तो इस केस के हवाले से बताइएगा कितने परसेंट चांसेस हैं इस केस में, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस वक्त केस चल रहा है, कि इसमें अगर माफ़ी मांगते हैं तो वो कबूल भी हो जाती है, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा हो सकती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को? देखिए, माफ़ी अगर नहीं मांगते और या माफ़ी मांगते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं होती, जिसके चांसेस मेरे ख्याल में मैं 60-40 कह दूँगा कि 60 तो ये है कि शायद नहीं एक्सेप्ट होगी, 40 है कि शायद एक्सेप्ट हो जाए। तो और इसके अगर एक्सेप्ट नहीं होती माफ़ी उनकी, अगर मांगते हैं तो, और या कंटेस्ट करते हैं, अगर कंटेस्ट करते हैं तो ट्रायल होता है, तो उस सूरत में उनको मैक्सिमम सजा जो है वो 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। लेकिन वो एक ही भी ना हो, एक सेकंड की भी हो वो सजा, तो वो कन्विक्शन होती है। वो क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाती है। एक दफा कन्विक्शन हो जाए तो फिर जिस शख्स, जो आदमी कन्विक्ट हो जाता है वो फिर इलेक्शन के लिए 5 साल के लिए नाअहल हो जाता है। तो चीज़ मेन वो है, चाहे वो 1 सेकेंड के लिए हो या 6 महीने के लिए। और सर, इसको रिलेट किया जा सकता है फिर नवाज शरीफ के केस से भी, जिस तरह उनको नाअहल किया गया था? नहीं, उसका इससे ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, जिसमें कि अगर आप, जैसे आपको याद है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने एक खत लिखना से इनकार कर दिया, तो जब चीफ जस्टिस उस जमाने में इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप स्विस गवर्नमेंट को खत लिखें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा कहता हूँ आप खत लिखें, क्योंकि मैं तो खुद कोर्ट में मौजूद था उसमें, मैं माइकस क्यूराए था उसके, इसमें वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देन वी कन्विक्ट यू एंड अरेस्ट यू टू द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। तो वो राइजिंग ऑफ द कोर्ट 1 मिनट के बाद वो उठ के चले गए, 1 मिनट की वजह से वो फिर प्राइम मिनिस्टर के जॉब्स उनका खत्म हो गया, वो 5 साल के तक इलेक्शन नहीं लड़ सके। ठीक, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, आपने वक्त दिया। बोलो अभी नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुश आमदेद, कुछ बात करेंगे अब बलूचिस्तान की, जहां पर सैलाब से तबाही ही तबाही है। हर तरफ आप जब देखते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल को तो आपको तबाही के मनाजिर ही दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान रेलवे का 3 सूबों से राबता भी मुनकता हो चुका है, अजनास की तरसील बंद है, और अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गजाई किल्लत का भी खतरा वहाँ पर मंडला रहा है। और आज ही की बात की जाए तो मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। लेकिन जब हम मुल्की सियासी सूरत हाल पर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे इक्तदार की कुर्सी पर किसने बैठना है, इसके अलावा पाकिस्तान के कोई मसाइल हैं ही नहीं। में लोग सिंध में लोग जो हैं वो इस वक्त सैलाब में डूब के मर रहे हैं, और जो बाकी सूबों के लोग हैं वो महंगाई की वजह से मर रहे हैं, और हमारे जो मसनद पर लोग बैठे हैं उनका जो मसला है सिर्फ ये है कि इक्तदार की कुर्सी पर किसने बैठना है और कैसे बैठना है और दूसरे को बैठने से रोकना कैसे है। एनी हाउ, इस हवाले से बात करेंगे। अभी हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मक्सी साहब, MNA हैं बाप पार्टी के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त। खालिद साहब, इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है? पूरा इलाका डूब गया है, पानी अभी भी है, बारिश चल रही है 35 घंटे से, सारे घर वगैरह लोगों के गिर गए हैं, रोड सारे कट गए हैं, और मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो। तो सर, हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है?
हुकूमत क्या कर सकती है, हुकूमत क्या करे, बारिश को कहाँ से रोक सकती है हुकूमत। तो सर रिलीफ का काम तो हुकूमत ने ही करना होता है ना, और किसने करना है? रिलीफ का काम यह है कि अभी थोड़ा सामान आया वो पूरा नहीं हुआ, वाइड स्प्रेड हो गया ना, मतलब 85% पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हो गई है। इसके लिए तो एक किस्म का अजीब आफत किस्म का सामान चाहिए, कोई 1000-2000 तंबू से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 10,000 से 15,000 तंबू चाहिए हमें। और सर ये विफाकी हुकूमत इस सिलसिले में कोई तआवुन कर रही है, उनकी जानिब से कुछ रिलीफ दिया गया है? गवर्नमेंट तो यही है कि मीटिंग हुई है, कल भी मेरी मीटिंग हुई, उनको सारा बता दिया, बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है कल भी, आज भी मीटिंग है। मैं तो यहाँ से कोशिश करूंगा, अगर नेटवर्क ने काम किया तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ आज शाम को कोशिश करूंगा, उनको बता दूंगा सारा, क्योंकि एक प्रोविंशियल मैनेजमेंट डिजास्टर क्या है, दूसरा NDMA है, अब वो दूसरा क्या है कि अब हमारे पास मसला एक और हो गया, रास्ता बंद हो गया टोटल, अगर कोई है भी। अच्छा अच्छा सर, अब बलूचिस्तान के कितने अजला हैं और कितने मकामात में जहाँ पर जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़राब है? ये बलूचिस्तान के देखें ना, तकरीबन बलूचिस्तान का आपका ऑलमोस्ट पूरा बलूचिस्तान अफेक्ट हुआ है, आपका लसबेला जलमक्सी डिस्ट्रिक्ट, कच्ची डिस्ट्रिक्ट, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट, जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट, ऊपर के इलाके कोलू, देरा बुक्टी, किला सैफला, किला अब्दुल्ला, ये पूरा एरिया ऊपर का जो है ना, और आपका इस तरफ भी अपना ये लसबेला तकरीबन डैमेज हो गया, और जलमक्सी तो 85-90% जो घर रहे ना सारे में भी जान जहाँ तक जा सके जाते, एक रोड का बचा वो भी चला गया, वो भी रात को जो है ना पानी उसे 3 फुट ऊपर पानी चल रहा है, उससे उसको कट आ गया, 16-16 फुट पानी चल रहा है जी, 8 फुट 10 फुट 16, एक जगह पे 16 फुट पानी फ्लो कर रहा है, और ये तकरीबन 18 किलोमीटर का वेट है इसका, ठीक है ना, बिजली नहीं है, नेटवर्क काम कर रहा है छोड़ रहा है, बिजली नहीं है क्योंकि बिजली यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं, वक्त में जो मेन ग्रिड था ना, उच्च पावर प्रोजेक्ट जो ग्रिड है, मेन सप्लाई पावर हाउस है वो पानी में। बहुत शुक्रिया खालिद मक्सी साहब, आपके बात हो गई बलूचिस्तान की। अगर सिंध की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ मामलात मुख्तलिफ दिखाई नहीं देते हैं, सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उसमें हमें इजाफा ही दिखाई देता है। बारिशों से लाड़काना की बात की जाए तो मज़ीद 500 मकानात मुनहदिम हो गए हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर लाड़काना से मौजूद है, हमारे साथ शिराज पठान और MNA हैं लाड़काना के, खुर्शीद जुनेजो साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी जाने आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस वक्त लाड़काना की सूरत हाल क्या है वो मालूम कर लेता हूँ। शिराज पठान हमारे साथ मौजूद हैं, शिराज इस वक्त लाड़काना की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी मुदस्सिर, लाड़काना और कंबर सैदा मुकम्मल तौर पर उसका हुलिया बिगड़ चुका है, और हालिया शदीद बारिशों के बायस जो है वो तकरीबन 95 UCs जो हैं दोनों इजला की, वहां पर कोई गली, कोई ऐसा रोड, कोई सरकारी दफ्तर, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पर पानी ना, और जो सड़कें हैं दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। 11 लाख अफराद जो है बराह रास्त मुतासर हुए हैं, 3 लाख के करीब जो है वो बेघर होकर खुले आसमान तले रेलवे स्टेशन और मुख्तलिफ शाहराओं पर जो है वो पनाह लिए हुए हैं, चारपाइयों के पास लकड़ियां शॉपर खरीद कर, और उन्होंने अपनी मदद आप के तहत छोटे छोटे जो है वो घोंसले बनाकर उसके अंदर वो अपने मासूम बच्चों के साथ भूखे प्यासे बगैर खाने पीने दूध के जो है वो सिद्धी इमदाद के रहने पर मजबूर हैं। 90% फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर दोनों इजला की चावल की जो होनी थी वो तबाह हो चुकी हैं, 80,000 टेंट्स लाड़काना में चाहिए तकरीबन जो है वो, इसकी तरह 1 लाख से ज्यादा टेंट्स जो है वो कंबर शहदाद कोट में चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जाने से अब तक सिर्फ लाड़काना में 3,000 टेंट्स, और आप गैप 80,000 टेंट्स की डिमांड डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी जाने से की गई और सिर्फ 3,000 टेंट्स दिए। शिराज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, खुर्शीद जुनेजो के सामने भी ये मामलात रखते हैं। जुनेजो साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर लाड़काना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हब है, बताइएगा ये सारी सूरत हाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगाह है, आप वहां के MNA हैं, आप भी आगाह हैं, और क्या क्या रहे वहां के लिए? ठीक है, ये पूरे जो डिजास्टर जो है ऐसा हम लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, और ये पूरा जो है लाड़काना जो है तकरीबन तबाह हो चुका है, 17 लाख की आबादी है, और तकरीबन यहाँ पर 47 जो है यूनियन काउंसिल्स है, और तकरीबन 2 जो है म्यूनसिपालिटीज है, 4 टाउन कमिटीज है, और एक जो है हमारे लाड़काना की जो मेट्रोपोलिटन जो है वो सिटी है। मगर ये मसला क्या है कि यहाँ पर इतना, एक तो ये प्लेन बहुत है,
ये तकरीबन जो है सी लेवल से है तकरीबन 110 फीट ऊपर है। तो यहाँ पर जो है ड्रेनेज जो है टोटली कोलैप्स हो चुकी है। तकरीबन 1000 जो है मिलीमीटर जो है मैं समझता हूँ कि बरसात इस वक्त अभी तक हो चुकी है। 5 फुट कहाँ पर, 3 फुट कहाँ पर, 4 फुट हर जगह। सर ये तो कुदरती आफत हो गई ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपने बतौर एमएनए वहां पर अब तक क्या कुछ किया? अभी क्या, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, अभी क्या कि चेयरमैन साहब खुद हमारे बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर हैं, वो खुद जो है उसने विजिट की है सबके सब, कंबर शहजाद कोर्ट को भी, लड़काना को उसने खुद विजिट किया है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी है सबों को जो है, और वो खुद वहाँ पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर जो तकरीबन जो है यहाँ पर जो है हर जो है गाँव को जो भी हमारे कैंप्स हैं उनमें खाना पहुँचाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स जो है वो उन सबों को जो है वहाँ पर मेडिकल कैंप्स जो है खोल गए हैं कि इसके बाद जो है वबा शुरू हो जाएगी और जो भी इफेक्टेड है उन लोगों को वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों को हमारा सबसे बड़ा जो काम जो है जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाल के अपने गांव से निकाल के स्कूलों में जो स्कूल्स है जो भी गवर्नमेंट की इमारतें हैं वहां पर हमें कुछ उनकी कैंप्स लगा दिए है वो वहां पर मुंतकिल हो रहे हैं और फिर वहीं पर उनको जो खाना मुहैया किया जा रहा है। दूसरे जो है टेंट्स जो है और जो है वो उनको दिए जा रहे हैं मुहैया किए जा रहे हैं। वो एक तो जमीन टोटली गीली है, गीली होने की वजह से टेंट का लगना फिर भी लोग जो है बेचारों को जो है वो टेंट दिए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल जो है पूरे जो है लड़काना। अच्छा खुर्शीद साहब इस वक्त आपके पास डेटा कितना है कि कितने लोग हैं जिनको आप लोगों ने रिलीफ फराहम कर दिया है और कितने लोग ऐसे हैं जहां तक अभी तक आप पहुंच ही नहीं पाए हैं और उनको अभी तक रिलीफ फराहम नहीं किया जा सका है? मेरे काफी लोग जो है तकरीबन जो है यहाँ पर जो है 11 लाख लोग जो है फैमिली में तकरीबन जो है 1 लाख तकरीबन जो है वो 1 लाख जो फैमिली जो है ना वो इफेक्टेड हुई। तो 1 लाख से मैं 1.5 लाख अभी मैं कहूंगा, 1 लाख जो कल तक थी आज से 2 दिन पहले थी, इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख जो है ना फैमिली जो मुतासर हुई है आप खुद सोचे कि उन तक जो है एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक ये सामान पहुंचाए। काफी लोग जो है वो अपने गांव से निकलकर अब वो रोडों के ऊपर आके बसे हैं और लोगों ने अपने टेंट लगा के वहां पर बहुत से लोग जो है मुंतकिल हो चुके हैं अपने जो स्कूलों के अंदर और जो है उनकी बिल्डिंग हम लोगों ने खाली करा के वहां पर आ गए। काफी अभी तक लोग जो है ना वो फंसे हुए हैं और उनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्शीद जुनेदो साहब आपके वक्ता। शिराज पठान आपकी जानिब, शिराज बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रिलीफ के इकदाम के हवाले से बात कर रहे थे जुनेदो साहब, ऑन ग्राउंड क्या ऐसी सूरत हाल है? देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब लाड़काना पहुंचे उनके साथ सीएम भी थे तो बहुत सारे मुतासरीन थे, उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका, बाकायदा वहां पर जो है एहतजाज किया और ये अपील की कि खुदारा हमारी मदद की जाए। लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि बहुत बड़ा गैप है जो डिमांड इनकी है उस ऊंट के मुंह में जो है वो जीरे के बराबर एक चीज है कि बिल्कुल इनके पास कोई चीजें नहीं है। पहले से पेश इतला थी कोई जो है वो इकदाम जो पहले करने चाहिए थे वो इन्होंने बिल्कुल नहीं किए हैं, वो चल नहीं रही। लाड़काना की तमाम शाराओं पर दरिया का मंजर है, पानी खड़ा है और वो डिस्पोजल मशीनें न चलने के बायस जो है वो पानी नहीं निकल रहा और उसकी कैपेसिटी भी बिल्कुल जो है वो न होने के बराबर है। 78 लोग अब तक जो है वो मर चुके हैं, 500 से जायद जख्मी है, तमाम के तमाम जो देहाती इलाके हैं फसलें हब है लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ हमें होता हुआ दिखाई देता नहीं है। शिराज पठान आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।